काजियंगा है। तो जो बच्चे इस साल 2021 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे, उनके लिए गवर्नमेंट ने, स्टेट बोर्ड ने एक क्वेश्चन बैंक अपलोड की है उनकी वेबसाइट पे। ये देखिए, ये वेबसाइट है maa.ac.in। यहाँ पे प्रश्न पेढ़ी क्वेश्चन बैंक अपलोड की गई है 10वीं और 12वीं के लिए, मतलब SSC और HSC के लिए। तो 10वीं के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो 10वीं के मराठी मीडियम के ये क्वेश्चन बैंक है, और इंग्लिश मीडियम के ये 4 अपलोड हुए, और लिखा हुआ है कि बाकी क्वेश्चन भी अपलोड किए जाएंगे। नोट, इतर विषयांच्या प्रश्न पेढ़ी संकेत स्थरावर लवकरच अपलोड होता है, मतलब जल्दी यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन बैंक आएगी। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक। तो आप यहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन बैंक है जो अपलोड की गई है, और इसमें क्लियरली लिखा गया है सूचना इंस्ट्रक्शन क्या है, ये कि फक्त विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव करून देण्यासाठी, मतलब उनको प्रैक्टिस करने के लिए ये प्रश्न प्रकार कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए ये दिया गया है। और दूसरा पॉइंट लिखा है सदर प्रश्न संचातील, मतलब ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें से प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्न पत्रिकेत येतील, उसमें से ही प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, पेपर में आएंगे, असे नाही याची नोंद घ्यावी। तो वो क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इसमें से ही सवाल आएंगे। पर ऑफकोर्स हमें कोविड की वजह से काफी इस साल पढ़ाई को प्रॉब्लम है, पढ़ाई में तकलीफें आई है, तो गवर्नमेंट भी जानती है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन बैंक भी हमें फैसिलिटेट करके दिया है। तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना है, जो क्वेश्चन दिए उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक, तो इसमें एक्चुअली 2 सेट अपलोड किए गए, मतलब हर एक सेक्शन के लिए, सेक्शन 1 स्टडी लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज स्टडी होता है तो उसके लिए 2 पार्ट्स अपलोड किए गए, मतलब सेक्शन में लैंग्वेज स्टडी एक्टिविटी सेट 1 है, और फिर एक्टिविटी सेट 2 का भी लैंग्वेज स्टडी है। मतलब ऐसा है कि सेक्शन 1 जो है 2 अपलोड किए गए, सेक्शन 2 2 अपलोड किए गए, एंड सो ऑन। तो हम इस वीडियो में लैंग्वेज स्टडी देखेंगे, तो लैंग्वेज स्टडी के 2 सेट अपलोड किए गए हैं, वो हम देखेंगे। तो देखिए, तो मतलब एक्चुअली इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक बेटर है, क्योंकि हम पूरा 2 क्वेश्चन पेपर्स बना सकते हैं इसमें से, 2 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स। तो ये फर्स्ट जो एक्टिविटी सेट 1 का लैंग्वेज स्टडी है, उसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1A, डू एज डायरेक्टेड। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, और फर्स्ट जो सेंटेंस दिया है वो है डोंट लूज फेथ। तो ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है वो लिखना है। अगर आपने टाइप ऑफ सेंटेंसेस ग्रामर में किए हैं तो आपको पता होगा कि असर्टिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें से जो ये सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी में क्लियरली एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है, और असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट होता है, सिंपल स्टेटमेंट। ये जो सेंटेंस है ये भी स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप है, लेकिन ये असर्टिव नहीं है, इंपरेटिव है। तो ये इंपरेटिव टाइप क्या होता है, जिसके अंदर कोई कमांड या रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कुछ करने को, डोंट लूज फेथ, तो ये असर्टिव सेंटेंस नहीं होता, इंपरेटिव। तो ये क्लियरली आप देख के पता कर सकते हैं। तो हियर द आंसर इज, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो एक्चुअली हमें इनमें से 4 में से कौन सा एक टाइप है वही मेनली लिखना होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं डोंट लूज, तो डू नॉट लूज है। तो हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो ये 2 टाइप में भी बटे जाते हैं, कि वो अफर्मेटिव है क्या नेगेटिव। तो अफर्मेटिव मतलब येस कहने वाले, नेगेटिव मतलब जिसमें नो आ रहा है। तो एक्चुअली ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, पर करेक्ट आंसर हमारा आएगा इंपरेटिव सेंटेंस। यू हैव टू राइट 1 आउट ऑफ दीज 4, है ना। फिर सेकेंड, पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस। तो पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस में ये दिया है, तो आप देख सकते हैं आई आस्क्ड करके है, आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली। तो हमारा ये लिखने का सही तरीका ऐसे, हमें कोट्स डालने हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे, वो आर यू स्टिल हंग्री इज अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ कॉमा आएगा कोट्स के बाद, आई आस्क्ड फेंटली फुल स्टॉप। तो ये पंक्चुएट हो गया। तीसरा है फाइंड आउट मिनिमम 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो गिवन वर्ड है कन्वर्जेशन, तो इसमें से 4 लेटर वर्ड हमें बनाने, 4। तो यहाँ से जैसे एशन है तो हम एन से नेशन, एन भी यहाँ पे है तो नेशन बना सकते हैं, वी आर एस है तो आई ओ एन वर्जन बना सकते हैं, राशन बना सकते हैं, आर ए टी आई ओ एन, स्टोन भी बनता है, एस टी ओ एन है और यहाँ पे ई भी है, तो स्टोन वर्ड भी बनता है ना। तो एटलीस्ट ये जैसे हमारे ये जो है ये आप देख सकते हैं 6 लेटर वर्ड है ये सब, तो मिनिमम 4 लेटर होना चाहिए। तो ये 5 लेटर है स्टोन, फिर ये कोन, नोज, ओवर, ये एटलीस्ट 4 लेटर ये भी है, तो ये भी वर्ड इसी में से बनते हैं। हमें 4 ब्लैंक्स दिए गए, 4 वर्ड्स हमें लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। और फोर्थ है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। तो ये वर्ब है चेंज, डूइंग वर्ड, तो चेंज का जो लास्ट लेटर है ई, उससे हमें नेक्स्ट वर्ड बनाना है जो अगेन वर्ब होना चाहिए, जैसे ईटिंग, ईटिंग इज अ वर्ब, सो ईट।
तो चेंज का ईट बना, टी आया, हम वर्ब लिखेंगे मतलब ईटिंग वगैरह करेंगे तो वो पार्टिसिपल या जेरेंड बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंड, तो आईएनजी नहीं डालना हमें, चेंज लिखेंगे, उसके बाद ईट, इसका लास्ट लेटर टी है, तो और एक वर्ब टॉक, अगेन अ डूइंग वर्ड, लास्ट लेटर के आया तो कीप, कीप इज ऑल्सो डूइंग समथिंग, कीप, एंड लास्ट लेटर पी तो प्ले। तो ये चार वर्ड्स बना के हम कोई भी वर्ड डाल सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, तो वर्ड चेन ये वर्ब्स की कंप्लीट हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है हमको, चारों वर्ड्स ऐसे है तो हमको सेकेंड लेटर देखना है उसमें, इसमें ओ है, इसमें ई है, एल है, यू है, तो सबसे पहले क्या आता है, एबीसीडी में ई आता है, तो सिक्योरिटी सबसे पहले आएगा, फिर ई एफ जी एच आई जे के एल, तो एल स्लीप बाद में आएगा, फिर यहाँ सेकेंड लेटर ओ है तो एल एम एन ओ, फिर लास्ट में यू, तो ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये हमारे पांच सवाल है, उसमें से एनी फोर हमें करने होते हैं, फोर मार्क्स का, वन मार्क पर ईच क्वेश्चन होता है, तो हम ये पांच में से एनी फोर करेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन वन ए टू जो है वो है डू एस डायरेक्टेड एनी टू, तो ये दो सवाल है पर क्वेश्चन टू मार्क्स है, तो ये तीन में से हमें कोई भी दो करने हैं और पर क्वेश्चन के दो मार्क मिलेंगे, टोटल फोर मार्क्स है। ये फर्स्ट दिया है यहाँ पे रीराइट इन इनडायरेक्ट नरेशन, सेंटेंस है नाउ यंग मैन ही सेड वी आर रेडी टू लिसन टू बाक, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बाक, है ना, तो ये सेंटेंस को हमें जो है डायरेक्ट स्पीच है यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच करना है, मतलब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास निकाल के लिखना है, तो कैसे लिखना है, ही सेड है तो ही टोल्ड किसको, द यंग मैन, तो ही टोल्ड द यंग मैन दैट नाउ दे वर रेडी टू लिसन टू बाक, तो ये हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कर दिया। सेकेंड है और इसके दो मार्क्स मिलेंगे, सेकेंड है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन होमोफोन्स, तो होमोफोन्स क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है आवाज, है ना, फोन पे हम बात करते हैं आवाज, तो आवाज को फोन बोलते हैं, फोनिक्स जैसे होता है तो आवाज से रिलेटेड, कैसे प्रोनाउंसिएशन, फोनिक्स, तो होमोफोन मतलब सेम आवाज, मतलब दो वर्ड्स जिसकी बोलने में वो सेम साउंड करते हैं, जैसे ब्लू ब्लू, तो ये दोनों ब्लू ब्लू साउंड करते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग्स अलग है, तो सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, स्पेलिंग अलग है मीनिंग अलग है लेकिन साउंड सेम है, तो ये दो होमोफोन से ब्लू एंड ब्लू दोनों के ऊपर सेंटेंस बनाने हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस, तो ब्लू कलर होता है, तो यहाँ पे सेंटेंस जैसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, मैंने लिखा शी वॉज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस एट द पार्टी, ब्लू मतलब ब्लो करना, पास्ट टेंस है, ब्लो करने का पास्ट टेंस है, तो द विंड ब्लू अवे द रूफ ऑफ द हट, मतलब विंड से ब्लो हो गया, वो उड़ गया, तो ये हमारे दो सेंटेंसेस हो गए। थर्ड है रीराइट इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो एक सेंटेंस दिया है उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रीराइट करेंगे और इसके लिए हमें दो मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस है द मार्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली, तो यहाँ पे वर्ब से हमें टेंस पता चलता है, तो यहाँ वर्ब है डूइंग वर्ड, जो वर्ब है वो है फाइट्स, तो फाइट्स ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है, तो पास्ट परफेक्ट जब वर्ड आता है तो हैड होना चाहिए सेंटेंस में, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी, परफेक्ट कंटिन्यूअस साथ में होता है तो हैड बीन और वर्ब को आईएनजी करके लिखना है, मतलब फाइट्स का हो जाएगा फाइटिंग, तो हैड बीन फाइटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो हैव बीन फाइटिंग या हैज बीन फाइटिंग, सिंगल है मार्लिन तो मार्लिन हैज बीन फाइटिंग करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट के लिए हैड होता है, तो ऐसा पास्ट परफेक्ट मतलब परफेक्ट की वजह से आता हैज या हैड, तो ये हमारा, तो मार्लिन हैज बीन फाइटिंग आता अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन वन ए, क्वेश्चन वन का ए टू, ये ए टू है। अब क्वेश्चन वन बी, ये है डू एस डायरेक्टेड एनी वन, तो हमें एनी वन करना है, ये देखिए क्वेश्चन वन ये है टू है, तो इन दोनों में से कोई भी एक करना है, और ये एक सवाल का अगेन दो मार्क्स मिलेंगे, तो फर्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, तो सेंटेंस ये बीच में दिया हुआ है, मैंने आंसर की जगह नहीं थी तो ऊपर नीचे लिखा है, तो ये देखिए सेंटेंस है द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इंटॉलरेंस, ये हमारा सेंटेंस है, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री है, ये बिगेस्ट चैलेंज, तो बिगेस्ट बोल रहे हैं ना, बिगेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, ये हमें इसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हमने पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाई, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, देखिए पॉजिटिव डिग्री और फिर सेकेंड है कंपैरेटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री में हम लिखेंगे बिगेस्ट को हमको करना है बिग, कंपैरेटिव में बिगर आएगा, तो ये बिगेस्ट चैलेंज है, मतलब नो अदर चैलेंज इज एज बिग एज,
ना. तो नो अदर चैलेंज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज एज बिग एज फ्यूर एंड इंटॉलरेंस. तो पूरा ये सेंटेंस ही आता है, खाली ये एज बिग एज आ जाता है. सेकेंड कंपेरेटिव भी हमें करना है तो बिगर यूज करने लिखा है, तो हम लिखेंगे नो अदर चैलेंज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज बिगर देन. ये एज बिग एज लिखा, कोई और चैलेंज इसके जितना बड़ा नहीं है क्योंकि ये बिगेस्ट है, तो और कोई बिगेस्ट नहीं है, ये बिगेस्ट है. तो नो अदर चैलेंज इज एज बिग एज दिस. और अगर बिगर करके लिखना है तो इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है, इसके जितना भी कोई नहीं है, इससे बड़ा भी कोई नहीं, ये बिगेस्ट. तो नो अदर चैलेंज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज बिगर देन फियर एंड इंटॉलरेंस. मतलब वही हुआ ना कि इट इज बिगेस्ट, फियर एंड इंटॉलरेंस सबसे बड़ा चैलेंज है, बिगेस्ट चैलेंज. तो ये दो तरीका होता है पॉजिटिव और कंपैरेटिव में ट्रांसलेट करने का सेंटेंस को विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. सेकंड है पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन. तो ये दो सेंटेंसेस दिए, दोनों में मॉडल ऑक्सिलरी क्या है वो पिक आउट करना है, उसका फंक्शन लिखना है. तो ए है ही वुड बोरो वन वीक लेंड द नेक्स्ट. तो ये हमें यहाँ पे जो वर्ब की जगह होता है ना, ये वुड, तो वुड इज द मॉडल ऑक्सिलरी. तो वुड को ये जो हम लिखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी, इसका फंक्शन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी इज वुड, वुड, कुड, कैन, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं. जैसे यहाँ भी है आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, तो कुड नॉट ये मॉडल ऑक्सिलरी है, कुडंट भी होता है तो वो मॉडल ऑक्सिलरी होता है. तो ये वुड जो है ये क्या फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, ही वुड बोरो वन वीक लेंथ द नेक्स्ट. तो ये मॉडल ऑक्सिलरी इंडिकेट क्या कर रहा है, ये उसकी हैबिट है ना, कि वो क्या करता था, एक दिन बोरो करता था, एक वीक नेक्स्ट वो उसको लेंड करता था. तो ये जो है हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वुड मॉडल ऑक्सिलरी इंडिकेटिंग हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट, है ना. तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट. फिर आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, तो यहाँ कुड जो है हमारा कुड नॉट, एक्चुअली जो मॉडल ऑक्सिलरी है या सिर्फ कुड भी आप लिखोगे तो ये मॉडल ऑक्सिलरी जो है कुड क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, क्या फंक्शन है इसका, कुड नॉट अफोर्ड तो ये इनएबिलिटी बता रहा है. तो एक्चुअली कुड होता है एबिलिटी, और कुड नॉट हो गया तो इंडिकेटिंग पास्ट इनएबिलिटी, ऐसा है. तो ये दोनों हमारे मॉडल ऑक्सिलरी और उनके फंक्शन है. तो ये हो गया हमारा जो है चार चार, ये देखिए चार मार्क्स इधर एंड दो मार्क्स ये, तो 10 मार्क्स का हमारा लैंग्वेज स्टडी होता है, तो ये हमारे 10 मार्क्स यहाँ कवर होते हैं. नेक्स्ट अभी और एक एक्टिविटी सेट है, उसका लैंग्वेज स्टडी भी है, तो सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेंगे. ये देखिए पहला है क्वेश्चन 1A, डू एज डायरेक्टेड. फर्स्ट है स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट इट. तो यहाँ पे है व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वर स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. तो यहाँ पे एक्चुअली एक नोट की बात हो रही है, तो नोट में वर नहीं आएगा, वॉज आएगा. तो सिर्फ इतनी ही मिस्टेक है, वर नहीं आना चाहिए, इट वॉज धे होता है, ज्यादा चीजें होते तो वर्ब लिखते हो, इट वॉज है ना. आई के साथ भी एक्चुअली प्लूरल यूज करते हैं, लेकिन इट के साथ नहीं, तो इट वॉज आएगा. तो ये हमारा यहाँ पे मिस्टेक है. तो पूरा सेम सेंटेंस हमने लिखा, कुछ नहीं, पंक्चुएशन सब सही है, खाली वर्ब को वॉज करके रीराइट करना है. तो ये सेकेंड है फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब से ही बनता है, वर्ब को आईएनजी जब लगाते हम तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगाना पड़ता, लेकिन कोई कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लगाने में हमें लास्ट लेटर रिपीट करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है. जैसे स्विम का स्विमिंग होगा तो डबल एम आ जाता है, स्किप का स्किपिंग होगा तो डबल पी आ जाता है. जैसे कीप का कीपिंग में हम डबल पी नहीं लगाते, कीप के ई पी आई एन जी, तो डबल लेटर नहीं होता. तो इसीलिए ऐसे दो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखने जिसमें लास्ट लेटर डबल हो, जैसे या स्विम का लास्ट लेटर एम है, एम एम हो जाता है, पी पी हो जाता है. तो ये दो आंसर आएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये दो एग्जांपल्स है, ये करेक्ट आंसर है. फिर थर्ड है, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं, आई हैव रिटन टू. थर्ड है राइट एनी टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन. तो कंपाउंड वर्ड्स मतलब दो अलग वर्ड जिनका अलग अलग मीनिंग होता है उनको मिला के एक वर्ड बनाया गया. जैसे टाइप राइटर, तो टाइप राइटर एक चीज है, टाइप भी एक अलग वर्ड है, राइटर भी एक अलग वर्ड है, दोनों को मिला के बनाया गया, तो इट्स अ कंपाउंड वर्ड, है ना. टूथ ब्रश, तो टूथ और ब्रश अलग अलग चीज होती है, दोनों को मिला के एक वर्ड बनाया गया टूथ ब्रश, सो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स. आइसक्रीम कंपाउंड वर्ड. फुटबॉल, तो फुट और बॉल अलग अलग चीज है, दोनों को मिला के फुटबॉल बन गया. स्टार फिश, तो स्टार और फिश अलग अलग होते, एक वर्ड बन गया स्टार फिश, ऐसे. तो दीज आर कंपाउंड वर्ड्स. तो एनी टू कंपाउंड वर्ड हमें लिखने, तो हम कोई भी दो लिख सकते हैं. तो ये समझना जरूरी है कंपाउंड वर्ड्स क्या है, देन यू कैन सॉल्व व्हाटएवर
कम्स टू योर माइंड. फोर्थ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. तो ये पहले भी हमने देखा टाइप ऑफ सेंटेंस चार थे, असर्टिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव. और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क हमें क्लियरली दिख रहा है एंड में, हाउ अटरली वी हैव फेल्ड आवर चिल्ड्रन एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. हाउ आता है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होता तो ये इंटरोगेटिव होता, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, एक्चुअली एक्सक्लेम कर रहे हैं सिर्फ ना, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. फिफ्थ है पिक अप द जेरंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. तो जेरंड में भी आईएनजी आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे आईएनजी आता है वर्ब के बाद, जेरंड में भी आईएनजी आता है, पर जेरंड इज लाइक अ नाउन, जेरंड फंक्शंस लाइक अ नाउन. लाइक दिस इज द सेंटेंस, क्या है, द एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिलीज. सो एटीट्यूड ऑफ समथिंग, ऐसे समथिंग की तरह ये टेकिंग को एक कोई चीज की तरह मेंशन किया गया है, तो इसीलिए ये जेरंड है टेकिंग. और जेरंड में हमेशा आईएनजी आता है, तो वो क्लियरली आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते. तो ये हो गए हमारे इन पांच में से कोई भी चार करने होते हैं, चार मार्क्स मिलते हैं. फिर ए टू में अगेन एनी टू करने पर क्वेश्चन टू मार्क्स. तो ये है फर्स्ट, राइट अ वर्ड रजिस्टर ऑफ एट वर्ड्स रिलेटेड टू म्यूजिक. तो म्यूजिक से रिलेटेड हमने लिखा रिदम, बीट, ट्यून, कॉन्सर्ट, ये सब हमारा चैप्टर है ना द नाइट टाइम एट आइंस्टाइन, तो उसमें म्यूजिक के बारे में है, सॉन्ग, जैज, पियानो, ग्रामोफोन, ये सब म्यूजिक से रिलेटेड. तो आप ये एट वर्ड्स लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे, पर दिस इज अ रजिस्टर ऑफ एट वर्ड्स आई हैव प्रिपेयर्ड. सेकंड है चेंज द वॉइस. चेंज द वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. तो यहाँ पे सेंटेंस है अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. तो अनिल मेड द टी एक्चुअली, तो अनिल ने चाय बनाई, तो ये एक्टिव वॉइस है ना. बाय आता है तो बाय बाय अनिल करके आएगा, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा. तो द टी को आगे लेके हम लिखेंगे द टी वॉज ऑलरेडी मेड बाय अनिल. तो ये बाय अनिल करके क्या हमने इसको पैसिव वॉइस कर दिया, टी को आगे लेके बाय अनिल. किसने किया ये मेड काम, किसने किया, अनिल ने किया, तो मेड बाय अनिल. तो दिस बिकम्स पैसिव वॉइस. सो वी चेंज द वॉइस एक्टिव टू पैसिव. थर्ड है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच. तो ये डायरेक्ट स्पीच दिया है हमें, इसको इनडायरेक्ट स्पीच करके लिखना है. सेंटेंस है रॉबर्ट आस्क्ड जोन हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 13 इयर्स ओल्ड शी रिप्लाइड. यहाँ पे हमको इसको पैसिव वॉइस में लिखना है, तो हम लिखेंगे रॉबर्ट आस्क्ड जोन हाउ ओल्ड शी वॉज, जोन रिप्लाइड दैट शी वॉज 13 इयर्स ओल्ड. तो हो गया हमारा पैसिव वॉइस है ना. दो है यहाँ पे, तो हम इसको सेपरेटली लिख रहे हैं फुल स्टॉप करके, और ये क्वेश्चन उसने पूछा, लेकिन हम आस्क करके लिख रहे थे, फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. उसने पूछा कि वो कितने साल की थी, तो यहाँ सब ये क्वेश्चन नहीं है, ये फुल स्टॉप आएगा, तो ये ध्यान रखना है हमें. तो चार और चार मार्क्स हो गए, अभी दो मार्क्स के लिए डू एस डिरेक्टेड एनी वन करना है हमें. तो ये है दो सेंटेंसेस दिए, दो क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी एक करना है. पहला है मेक टू सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन वर्ड एज नाउन एंड एज वर्ब. तो ड्रीम, ड्रीम को हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी. तो जब ड्रीम को नाउन की तरह यूज करेंगे मतलब द ड्रीम, ऐसे करके हमें लिखना है ना. तो आई स्पोक अबाउट माय ड्रीम टू माय फ्रेंड. तो माय ड्रीम मेरी कोई चीज, तो इट्स लाइक अ नाउन, ड्रीम एज अ नाउन, आई स्पोक अबाउट माय ड्रीम टू माय फ्रेंड. आप कैसा भी सेंटेंस बना सकते हैं, तो ऐसे ड्रीम कम्स लाइक अ नाउन. और ड्रीम एज अ वर्ब मीन्स कुछ काम हो रहा है. आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट अ ब्यूटीफुल हाउस. तो ड्रीम यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ, डूइंग समथिंग, आई एम ड्रीमिंग है ना. तो आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट अ ब्यूटीफुल हाउस. तो हमने दो सेंटेंसेस बना लिए, एक में ड्रीम नाउन की तरह यूज किया और इसमें नीचे वर्ब की तरह. ये लिखना जरूरी है कि ड्रीम एज अ नाउन ये वाला सेंटेंस है, ड्रीम एज अ वर्ब ये वाला. आप सिर्फ दो सेंटेंस लिखोगे और मेंशन नहीं करोगे कि वो नाउन कब है और वर्ब कब है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे ये लिखा गया है. तो मेंशन दिस आल्सो, ड्रीम एज अ नाउन दिस इज द सेंटेंस, ड्रीम एज अ वर्ब दिस इज द सेंटेंस. और सेकंड है बिगिन द सेंटेंस विद नो सूनर. तो ये सेंटेंस दिया हमको, ये रीराइट करना है नो सूनर से स्टार्ट करते हुए. तो स्टेट सेंटेंस है एज सून एज द थीफ एस्केप द फैमिली. तो एक्चुअली क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, नहीं तो वो सेंस नहीं बनता है. एज सून एज द थीफ एस्केप द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस. तो मतलब जैसे ही थीफ एस्केप किया, फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म किया. तो यहाँ पे नो सूनर से स्टार्ट करना है, तो हम नो सूनर और ध्यान डालेंगे. तो नो सूनर डिड है ना, नो सूनर डिड आता है, नो सूनर डिड द थीफ एस्केप, ईडी हट जाता है, एस्केप हो जाता है, डी हट जाता है. No sooner did the thief escape, तो जो भी verb होगा उसमें से past tense हट जाएगा. No sooner did the thief escape, comma, then. तो यहाँ then आएगा. Then the family informed the police. यहाँ same आएगा. ये पूरा आगे का सब same है. So this is rewriting the sentence using no sooner. तो ये हो गया.
तो यह हमारा लैंग्वेज स्टडी का पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है हमारा सेक्शन टू कवर किया जा रहा है टेक्सचुअल पैसेजेस का, तो ये हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। इसके भी दो सेक्शन, सेक्शन टू टेक्सचुअल पैसेजेस भी, एक्टिविटी शीट वन का भी है और एक्टिविटी शीट टू का भी, तो दोनों हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हम नेक्स्ट ईयर 2022 के लिए भी क्लास 10 ऑनलाइन बैच अनाउंस कर रहे हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगी और ये इनिशियली हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस, लिमिटेड सीट्स के लिए हम ये दे रहे हैं इनिशियल। जो आपका, आप अभी नाइन्थ में जो बच्चे हैं उनको जब टेंथ की तैयारी करनी है तो अभी से वो शुरू कर सकते हैं अप्रैल मंथ से ही, तो इसके लिए हम ये अनाउंस कर रहे हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके इसलिए रजिस्टर कर सकते हैं, तो यू विल बी प्रोवाइडेड विद फ्री ऑनलाइन लाइव क्लासेस फ्रॉम एएसआर यंग आईएएस। अगर आप टेंथ नहीं दे रहे पर आप किसी को जानते हो जो अभी नाइन्थ में और नेक्स्ट ईयर 2022 में टेंथ देने वाले, उनके साथ भी आप ये न्यूज शेयर कर सकते हो, दैट वुड बी ग्रेट फॉर अस। एंड फॉर दिस ईयर्स बोर्ड एग्जाम विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर सिंपल होगा, आप अच्छे से कीजिए, इस क्वेश्चन बैंक को सीरियसली लीजिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, एंड यू विल श्योरली डू वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।